एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक कुम्हार का हाथ होता है। माता पिता गुरुजन एक कुम्हार ही तो हैं। जिस तरह एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को गढ़ कर उसे भट्टी में पको कर उसे मजबूत कर देता है, ठीक उसी तरह माता पिता हमें गढ़ते हैं और गुरुजन ज्ञान रूपी भट्टी में पको कर हमें मजबूत कर देते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक कुम्हार के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ तरुण बारिक और आप देख रहे हैं विलेज फार्मिंग। किसान भाइयों, एक किसान और एक कुम्हार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों ही जमीन से जुड़े होते हैं। एक धरती के सीने को चीर कर फसल उगा देता है तो एक उस मिट्टी को उठाकर अनेक कलाकृतियों में बदल देता है। कहीं भगवान का रूप देकर उसे पूजा करवा देता है तो कहीं बर्तन खिलौने बनाकर बाजार में बिकवा देता है। तो किसान भाइयों, एक किसान की खुशियों में एक कुम्हार कितना डिपेंड रहता है, किसान की खुशियों में अपना खुशियाँ ढूंढता है, तो उसके बारे में बात करेंगे एक कुम्हार से ही। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। भैया थोड़ा ये बताइए कि जैसे एक दिया बनाने में कितना कितना मेहनत लग जाता है, मतलब क्या क्या करना पड़ता है? देखो, दिया बनाने के लिए पहले हमको मिट्टी लाना पड़ता है। हाँ, तो कोई भी मिट्टी चल जाता है क्या? नहीं, मिट्टी देखो, मिट्टी छाटना पड़ता है। जैसे कि नदी किनारे में मिलता है अच्छा वाला मिट्टी, तालाब से मिलता है। हाँ, और कोई खेत से भी मिट्टी उठाते होंगे आप? खेत, हाँ, जैसे कोई कोई खेत का भी बन जाता है, सभी खेत का तो नहीं बनता। तो भी आप मिट्टी से उसको लाते हो, तुरंत बन जाता है क्या उसके बाद? नहीं देखो, मिट्टी को लाते हैं, उसको मिट्टी को भिगाते हैं, उसको फिर छानना पड़ता है। अच्छा। ताकि पत्थर कंकर निकल जाए। अच्छा, पत्थर कंकर निकल जाए। अच्छा, मिट्टी साफ हो जाए, फिर उसको थोड़ा सुखा के टाइट करना पड़ता है, फिर उससे दिया बनाते हैं। तो भैया उसमें क्या क्या बन जाते हैं? दिया हो गया आपका, कलश वलश? दिया बन जाता है, कलश बन जाता है, मटका बन जाता है, उसी से बहुत किस्म का बहुत सामान बन जाता है मिट्टी से। अच्छा, तो शादी ब्याह में जो लगते हैं मंडप सजाने के, उसको भी आपका बनता होगा? हाँ, उसको भी बनाते हैं, सब बन जाता है उसी से। अच्छा, तो भैया आप मूर्ति भी कुछ बना लेते हैं? हाँ, मूर्ति ही बनाते हैं। तो मूर्ति में आप क्या क्या बना लेते हैं? मूर्ति में देखो, गणेश का मूर्ति हो गया, विश्वकर्मा, दुर्गा, मिट्टी का सब मूर्ति बन जाता है। मतलब हिंदू रीति रिवाज में जितना भी मूर्ति लगता है सब पूरा टोटल बना लेते हैं? सब सब मूर्ति बना लेते हैं। तो मूर्ति बनाने में के लिए भी उसका मिट्टी कहाँ से लाते हैं भैया? देखो, मूर्ति बनाने का भी मिट्टी वही मिट्टी बन जाता है जो दिया के लाते हैं, वही मिट्टी बन जाता है। हाँ, तो उसको पहले आप डिजाइन देते होंगे, फिर मिट्टी को ऊपर में पेंट करते हैं? हाँ, पहले तो मिट्टी से बनाना पड़ेगा, फिर बाद में पेंट होगा। तो भैया जैसे दिया बनाते हैं तो कितना मेहनत, मतलब कितना महीने से तैयारी करते हैं उसको? जैसे दिवाली का सीज़न आता है, दीपावली का सीज़न जैसे आता है, तो उससे कम से कम 2-3 महीने से चालू करते हैं। 2-3 महीने से आप पहले दिवाली को? हाँ। सीज़न में तैयारी करते हैं। भैया जैसे आप दिया बना दिए और उसको पका भी लिए भट्टी में, उसके बाद बेचने के लिए कैसे करते हो? ट्रांसपोर्टिंग के लिए कुछ आपका सुविधा? कुछ ट्रांसपोर्टिंग के लिए देखो सुविधा तो नहीं है यहाँ। बेचने के लिए पापा जाते हैं, गाँव गाँव घूम के बेचते हैं, और आस पास के लोग घर से ले जाते हैं दिया। अच्छा, घर से भी ले जाते हैं आसपास? हाँ। के लोग, और बाहर पापा जाते हैं। हाँ, तो जैसे दिवाली का सीज़न चला जाता है, ठंडा चला जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं? दीपावली के बाद प्रथम मौसम में हमारा धंधा थोड़ा नहीं चलता, फिर जैसे गर्मी स्टार्ट हो जाएगा तो गर्मी फिर मटका बनाएंगे। अच्छा, मटका बनाते हैं। या और एक चीज़ बताइए मेरे को कि जैसे एक किसान की खुशियों में आप कितना खुश रहते हैं? मतलब अगर किसान फसल नहीं हुआ, पानी वानी नहीं गिरा, फसल नहीं हुआ, तो आपको क्या नुकसान होगा? किसान का फसल नहीं होगा तो हमारा भी अच्छा से नहीं चलेगा, हमारा दिया भी। हाँ, क्या कि किसान और एक कुम्हार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों ही मिट्टी से जुड़े होते हैं, तो दोनों फ़र्क पड़ता है कि नहीं? मेरा कहना मतलब फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, अगर किसान कुछ नहीं रहा तो? हाँ, फ़र्क तो वहाँ पड़ेगा। किसान का खेती नहीं होगा तो हमसे भी मतलब दिया नहीं खरीदेगा। हाँ, नहीं खरीदेगा, और उसका भी मतलब जब खुश नहीं रहेगा। हाँ, तो कैसे खरीदेगा? कैसे? हाँ, दिवाली मनाएगा कैसे? हाँ, खेती अच्छा होगा तो हमारा भी धंधा अच्छा चलता है। अच्छा चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप कितने समय निकाल कर थोड़ा सा हमें टाइम दिए इसके लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपका बहुत अच्छा बिजनेस चले और आगे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए जमाने की हवा भले ही पुराने रीति रिवाज को पीछे छोड़ने में लगा हुआ हो, मगर एक मिट्टी से बने हुए छोटे से दीपक किलो के आगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चकाचौंध की चमक फीकी होती है। किसान भाइयों, मिट्टी से बने हुए दीपक की अनेक वैज्ञानिक
धार्मिक मान्यताएं भी हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण झालर लाइटें बनाने वाले मालिक की ज़िंदगी ऐसो आराम से भरी होती है। गाड़ी बंगले सब कुछ होते हैं उसके पास, लेकिन एक कुम्हार की ज़िंदगी इस तरह से नहीं होता। किसान भाइयों, देश का पैसा देश में ही लगाएं और इस दिवाली मिट्टी के ही दिए जलाएं। शुभ दिवाली।